नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। तो दोस्तों, मैंने आज सुबह का नाश्ता चाय और घुघरी के साथ बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करें। इस तरीके से मैंने आज बनाया है, तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं वीडियो। बनाया है मैंने जिस तरीके से, चाय और घुघरी तो सब लोग ही बना लेते हैं, लेकिन मैंने आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने शेयर किया है। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ में। तो दोस्तों, आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी की बहुत बहुत आप सबको ढेर सारी बधाई हो। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे घुंघरी चाय के साथ में, जो सुबह का नाश्ता होता है नागपंचमी के दिन। ये खास करके बनता है, ज़रूर हर घर में बनता है। तो हम बनाएंगे आज इस तरीके से। ये चना है, काला चना मैंने लिया है। यही चना हम लोग भगवान को भी चढ़ाते हैं दूध के साथ में, और लावा चढ़ाते हैं। तो मैंने पूजा वूजा कर लिया है, अब हम बनाएंगे नाश्ता। तो ये काला चना घुंघरी बनाएंगे, जो ये आज के दिन बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना। दोस्तों, ये खाना सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ते में यही खाया जाता है, उसके बाद में ही खाना वाना बनता है। खाना भी बनाएंगे हम, जो भी कुछ बनता है आज के दिन। घुघरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, कढ़ाई मैंने गरम होने के रख दिया है, ये हो गई है गरम। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों, हम सरसों का तेल ही यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा मेरा अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों, जीरा मेरा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है। दोस्तों, हमने इसमें एक टमाटर प्याज के साथ में ही पीस लिया है, तो उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, सब्जी मसाला, तो दोस्तों गरम मसाला अगर आप खाते हैं तो डाल दीजिए, तो हम मसाला ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, तो हम गरम मसाला नहीं डालेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे केवल धनिया जीरा मिर्ची पाउडर और सब्जी मसाला डाला हुआ है। इसको अच्छे से पका लेंगे, इसका कलर जब चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में ही हम बनाते हैं। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर भोजन बना के खाना चाहिए, सब्जी वगैरह। तो इसको हम पकाएंगे, पकने तक जब तेल छोड़ देगा तब हम इसमें चना डालेंगे। देखिए, मसाला मेरा अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम डालेंगे चना। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक आलू डाला है, कच्चा ही है, इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इस तरीके से अभी हमको चलाते रहना है। दोस्तों, अच्छी तरीके से गया है भजा, बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें डालेंगे पानी, ताकि चना अच्छे से पक जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे ही बनाएंगे हम।
तो दोस्तों देखिए मेरा चना मसाला घुंघरी बनके रेडी हो गया है। इस तरीके से हम बनाए हैं आज, और सुबह का नाश्ता यही है, आज के दिन ये ज़रूर बनता है। तो मैंने तो लिया है बना, हम इसको एक खाने में एक प्लेट में नाश्ते के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा नाश्ता बनके हो गया है रेडी। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमकीन, इस तरीके से इसका टेस्ट खाने में और भी अच्छा लगेगा। धनिया, तो मेरी चाय और घुंघरी नाश्ता सुबह का बनके हो गया है रेडी। तो आ जाइए आप सब लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ में। तो दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।